दोस्तों सुषमा सेठ बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसी अभिनेत्री हैं जो फिल्मों में दादी और माँ का किरदार निभाती हुई नजर आती थी और उनके इस किरदार को दर्शक खूब पसंद करते थे। इनको आप लोगों ने बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में माँ का किरदार निभाते हुए देखा होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं आप सभी की फेवरेट सुषमा सेठ का पति कौन है, क्या करता है, कैसा दिखता है? अगर आप इनके पति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहे और साथ ही सुपरहिट अभिनेत्री सुषमा सेठ के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों सुषमा सेठ का जन्म 20 जून 1936 को मुंबई में हुआ। मुंबई में जन्मी सुषमा सेठ ने अपने करियर की शुरुआत 70 के दशक की फिल्म जुनून से की, जिसमें इनको काफी पसंद किया गया। इस फिल्म में इनको वो पहचान हासिल नहीं हो पाई जिनको इनकी तलाश थी, इसी वजह से इन्होंने अपना रुख टीवी इंडस्ट्री की ओर कर लिया, जहां पहली बार इनको दूरदर्शन के टीवी सीरियल देख भाई देख में देखा गया और इस सीरियल के जरिए लाखों दिलों में छा गई और दर्शक इनके अभिनय को काफी ज्यादा पसंद करने लगे। इसके बाद इनको टीवी सीरियल हम लोग में देखा गया, जिसमें इन्होंने कैंसर से पीड़ित दादी का किरदार निभाया और आगे चलकर इस किरदार को इस सीरियल में मरना होता है। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए दर्शकों ने इस किरदार की दोबारा मांग कर ली और बाद में इस किरदार को जीवित कर दिया गया। इस सीरियल के बाद सुषमा सेठ एक ऐसी अभिनेत्री बन गई जो बॉलीवुड फिल्मों में भी माँ और दादी का किरदार निभाती हुई नजर आई। इनको आप लोगों ने बोल राधा बोल, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में माँ का किरदार निभाते हुए देखा होगा और ज्यादातर फिल्मों में ये ऋषि कपूर की माँ का किरदार निभाती हुई नजर आई, जिसकी वजह से दर्शक इनको ऋषि कपूर की माँ समझ बैठते हैं और आज भी बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे जो इनको ऋषि कपूर की माँ ही समझते हैं। हम आपको बता दें कि ये एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने करियर के 4 दशक दिए और पिछले 4 दशक से ये बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ रही है, लेकिन अब इनको बॉलीवुड में बहुत कम देखा जाता है। आखिरी बार इनको शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म कल हो ना हो में देखा गया। लेकिन अगर बात करें सुषमा सेठ के पति की, तो सुषमा सेठ ने अपने करियर के दौरान ध्रुव सेठ से शादी की जो मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन है। ध्रुव सेठ से शादी करने के बाद सुषमा सेठ को 3 बेटियां हुई, जिनमें से एक बेटी आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। जहां एक और सुषमा सेठ आज काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, तो दूसरे उनके पति आज भी काफी यंग नजर आते हैं और इनके पति पर इनके बुढ़ापे का कोई असर नहीं पड़ा, जैसे कि आप इनकी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को सुषमा सेठ का पति कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।